हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरी बेटी चांदनी की दोस्त है, इसके अलावा हमारा कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। अरे भाई, क्यों अपनी आंखों पर इतना जोर डाल रही हो? बहू को दे दो ना, वो लगा देगी बटन गुलाब की कमीज में। अपनी बहू को जानते नहीं हो क्या? अगर उसे लगाना होता तो गुलाब मुझसे क्यों कहता? इतने से चावल? रोटी नहीं बनी तो चावल तो ज्यादा बना देती। मैं इतना ही बना सकती हूँ, चार चार लोगों का खाना नहीं बना सकती। ज्यादा खाने की इच्छा हो तो खुद ही बना लो। तुमसे उम्मीद रखने से अच्छा है कि आदमी भारी खाना खा के आ जाए। तो कल से वही करना। वैसे भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गई हूँ मैं। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों फोन किया तुमने? मुझे बहुत घबराहट हो रही है गुलाब, कहीं अब्बू या भाई को कुछ पता चल गया तो? अरे नगमा, कुछ गलत नहीं होगा। तुम बस अपने प्यार पे भरोसा रखो और मेरा यकीन करो, बस कुछ ही घंटे और, उसके बाद सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम बस कल टाइम पे पहुंच जाना। लेकिन उससे पहले किसी को कुछ पता चल गया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है गुलाब। तुम इतना घबराओ मत, जैसा प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है। गलती से जल गई तुम्हारी शर्ट गुलाब। कल गलती से बटन टूट गया था, आज तो गलती से शर्ट ही जला दी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा मधु? अब शर्ट ही तो जली है माँ जी, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है? इतनी सारी शर्टें कोई भी पहन लेंगे। आप ना वो अपनी गुलाबी रंग की शर्ट पहन लो, आपके नाम के साथ अच्छा जाए। क्या कहा तुमने? माँ देख रही हो, देख रही हो उसको कैसे बात करती है? तुम मेरे नाम का मजाक बना रही हो। आपका नाम ऐसा है, ऊपर से हरकतें, तो मैं क्या ही बोलूं। मधु बात करना ही बेकार है, तंग आ गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। कभी कभी तो ना मैं सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मुझे छोड़ दोगे, भाग जाओगे। इतना आसान नहीं है मुझसे पीछा छुड़ाना, याद रखना। बिरजू देख, तो अगर ढंग से प्रैक्टिस करेगा ना तो एक दिन पूरे जिले का चैंपियन पहलवान बनेगा। बस तुझे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। हाँ मधु बोल, सब ठीक है ना वहां पर? हाँ ठीक, कैसे नहीं होगा। आज थोड़ी आवाज चढ़ाई थी गुलाब ने, पर मैंने भी चुप करा दिया। एक बार फिर से समझाना पड़ेगा उसे। बिरजू उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। मतलब गुलाब ने कुछ कहा क्या तुझसे? नहीं कुछ कहा तो नहीं उसने, पर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। देख मधु तू अपना ध्यान रख, शांत रह तू, कुछ हो जाए तो मुझे फोन कर। गुलाब को तो मैं देख लूंगा। क्या हो गया, किसको देखना है? अरे भाई मेरा जीजा गुलाब, एक बार अच्छे से खबर लेनी पड़ेगी उसके। तुम बस अपने प्यार पे भरोसा रखो और मेरा यकीन करो, बस कुछ ही घंटे और,
उसके बाद सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। फोन क्यों लगातार बंद आ रहा है? रोज तो 6:30 बजे तक आ जाता है, अभी तो 10:30 बजने आए, अभी तक नहीं लौटा। मधु, गुलाब अभी तक नहीं लौटा, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम्हें कुछ बताया था? गुलाब जी ने कुछ कहा तो नहीं, रोज की तरह 6 बजे ही निकल गए थे यहाँ से। गार्ड सही बता रहा है, गुलाब फैक्ट्री नेट से 6 बजे निकल गया था। तू निकल रहा है? चल कल मिलते हैं। 12:30 हो गए, ऐसा तो कभी नहीं किया है गुलाब ने, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मुझे भी हो रही है, पर सुबह होने तो। मधु बेटा तुम जाकर आराम कर लो, भगवान करे सुबह तक गुलाब लौट आए, वरना पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हाँ मधु, तुम आराम करो। तक घर नहीं लौटा है। पापा जी कह रहे थे कि कल सुबह पुलिस स्टेशन जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही, पर अब अगर घर में हूं तो फिक्र करने का नाटक तो करना पड़ेगा ना। एक बात बता सच सच, तूने तो कुछ नहीं किया है ना? बेटा पार्वती देख, इतना गड्ढा काफी रहेगा? नहीं पापा, थोड़ा गहरा खोदना पड़ेगा। आप कहे तो किसी को मदद के लिए बुलाओ। नहीं नहीं, किसी को चोट पहुंचाने की चाह दर्द देने की, वो दर्द जो कभी हमने भी महसूस किया हो उसी इंसान से जिसे हम तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन अंजाम हमें भी भुगतना पड़ता है। गुलाब चंदेल हमेशा की तरह घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। ये केस जो एक मिसिंग केस की तरह से शुरू हुआ था, अब वो इंसान की निर्बलता और कमजोरियों से होते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुंचने वाला था जहां पर प्रतिशोध और चोट पहुंचाने की भावना अपने चरम पर थी। एक ऐसी भावना जो इंसान में सही और गलत को समझने की क्षमता को खत्म कर देती है। कंप्लेंट तो हम लिख लेते हैं, लेकिन गुलाब 27 साल का खुद से कहीं गया होगा, आ जाएगा। गुलाब ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगा, बहुत ही सीधा लड़का है वो, घर से काम और काम से घर के अलावा कुछ नहीं करता। शुक्ला पैकिंग यूनिट में सुपरवाइजर है, बहुत ही जिम्मेदार है। घर पे रिश्ता कैसा है उसका? बीवी से कोई झगड़ा वगड़ा? झगड़ा तो नहीं, लेकिन कभी हल्की फुल्की बात पर नोकझोंक हो जाती है, जैसे आम मियां बीवी के बीच होती है। ये आम मियां बीवी के बीच नोकझोंक की कोई खास वजह भी रहती थी? नहीं सर। किसी बात से परेशान था वो? जाने से पहले कुछ बताया उसने? अब उसकी फैक्ट्री यूनिट एड्रेस, गुलाब का फोन नंबर और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों का नंबर और पता लिखवा दीजिए, हम पता करते हैं। 203 शुक्ला पैकिंग यूनिट। सब एक बात कहनी थी आपसे। बताइए। बेवकूफ समझ के रखा है हाँ? चलो भागो, नहीं तो तीनों के लगाऊंगा एक कान के नीचे। हम तो बस गाना गा रहे थे गुलाब भैया। मजाक सूझ रहा है तुझे? भाग यहां से, भाग। अरे क्यों डांट रहे हो बच्चों को? अरे बच्चे नहीं है, बदमाश है ये, चिढ़ाने के लिए गाना गा रहे थे गुलाबी आंखें। बेटा चिढ़ा नहीं रहे होंगे, बच्चे हैं, गाना गा रहे होंगे। ऐसे ही नहीं, मजाक बना रहे थे मेरे नाम का, और आप भी जानते हैं हर कोई चिढ़ाता है, स्कूल से झेलता आ रहा हूं मैं, गुलाब जुलाब गुलाबो और न जाने क्या क्या। अरे आपको कोई और नाम नहीं मिला था कि मेरा रखने के लिए? अरे बेटा तुम्हारे दादाजी को गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए इतना प्यारा नाम रखा है तुम्हारा। खेती कर लेते ना गुलाब की, मेरा नाम रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अपने नाम को लेकर वो बचपन से ही चिढ़ता आ रहा है। ठीक है मंगल जी, हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको बताते हैं, अभी अब आराम से घर जाइए। साहब हमारा इकलौता बेटा है, वो ऐसे कभी कहीं नहीं गया, कोई भी बात होती थी वो हम दोनों को जरूर बताता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका फोन बंद हो और वो घर ना आए। साहब कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। आप फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा गुलाब मिल जाएगा, हम फोन करते हैं आपको। धन्यवाद। बेटा मिसिंग है और बाप बता के जा रहा है कि उसे अपना नाम पसंद नहीं, हद है। इसमें कोई केस नजर आ रहा है आपको? पता नहीं, पर माँ बाप इतने परेशान है तो एक बार गुलाब के दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करके देखते हैं।
वैसे गुलाब इतना पैसे वाला तो लगता नहीं कि उसे पैसों के लिए किडनैप किया होगा, पर बाइक थी उसके पास। शायद किसी ने बाइक छीनने की कोशिश की हो, आजकल काफी चोरी डकैती बढ़ गई इस एरिया में। ये गुलाब शुक्ला पैकिंग यूनिट में काम करता है, एक बार जाके बात कर लो, डिटेल्स दिए फैमिली। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। चिंता मत करिए माँ जी, आ जाएंगे। कैसी औरत है रे तू मधु, तेरा पति गायब हुआ है, तुझे जरा भी फिक्र नहीं? मैं आपका सोचकर ही कह रही हूँ माँ, आप चिंता करोगी बीमार पड़ जाओगी, और वैसे भी मैंने बाबूजी और बिरजू को बुलाया है ना, परेशान होकर क्या मिलेगा, सब मिलकर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे गुलाब, आप चिंता मत करिए, वरना आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। बेकार में चिंता कर रहे हो बाबा, तुम गुलाब को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, फिर बता रहा वापस चलते हैं। हे विकास, वापस चल यार। बिरजू, आखिर वो दामाद है हमारा, सोच अगर तू गायब हो जाता तो मेरे ऊपर क्या गुजरती? मेरी छोड़िए, उसकी तरह सोचिए, वो गुलाब है गुलाब, मैं पक्का बता रहा हूँ, जान बुझ कर यहाँ कहीं चला गया ताकि हम उसके आगे पीछे घूम, दो चार दिन में खुद ही वापस आएगा देखना। तू अपना गुस्सा शांत रख बिरजू, चाचा जी सही कह रहे, ये उनके लिए दुख की घड़ी है, घर जाना बनता है, किसी और के लिए ना सही, तेरी बहन मधु के लिए घर जाना ही होगा। हफ्ते दस दिन में घाव भर जाएगा, बस पानी मत लगने देना, और गजेंद्र जरा संभाल के काम किया करो, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। पार्वती बिटिया, जी ये दवाई है, इसको हल्दी वाले गर्म दूध के साथ दे देना। अरे गजेंद्र, इसके रिश्ते की बात कुछ आगे बढ़ी? अरे कहाँ चतुर्वेदी जी, बस बात ही चल रही है, वैसे आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताइएगा। पुलिस ढूंढ रही है, मिल जाएंगे दामाद जी, आप तो बस हेमा भाभी का ध्यान रखिए। मधु बता रही थी कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। हाँ वो आराम कर रही है, बस गुलाब लौटा है, हमें तो डर लग रहा है कि कहीं वो जुए में भारी रकम हार गए होंगे। जीजा जी, पैसे देने से बचने के लिए भाग रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है तू, गुलाब कोई जुआ हुआ नहीं खेलता है। तो जी ये सब आपसे पूछ के तो करेंगे नहीं, किसी बड़े कारण फंस गए होंगे, भाग रहे हैं, जीजा जी के लिए कोई नई बात तो है नहीं है। ये क्या बके जा रहा है तू मेरे बेटे के बारे में, क्या यही कहने आया था तू यहाँ? चरा तो लिहाज कर, तेरा जीजा है वो। आंटी जी आप कुछ ना ही बोले ना तो ज्यादा अच्छा है, सब जानते हैं आपके बेटे गुलाब से शादी करके ना मेरी बहन को कोई मेडल नहीं मिला है, सिर्फ नाम का गुलाब है आपका बेटा, काम सारे कांटों वाले हैं उसके। चुप बस कर, क्या बकवास कर रहा है, विक्रांत बाहर ले जाओ इसे, बहुत हो गया तेरा। बात कर रहे हैं, दिमाग खराब है तेरा? अरे बोलने से पहले कम से कम ये तो सोचा कर, कहां बैठा है, कितना बोलना है, जगह मौका तो देखा कर। ये तू अंदर क्या कर रहा था बिजू, तेरी जो पहलवानी वाली अकड़ है ना इसे अपने अखाड़े में रख, जरा समझ, बात पुलिस तक पहुंच चुकी है, तेरी तानू और हरकतों की वजह से हम सब मुश्किल में पड़ सकते हैं, थोड़ा समझ, इस वक्त दिमाग को ठंडा रखना जरूरी है। लेकिन पुलिस तुमसे भी तो सवाल करेगी ना मधु। हाँ पर पुलिस को क्या बोलना है ये मैं जानती हूँ, तुम बस इसे संभालो विक्रांत। हाँ बोलो रागिनी। सर अब मुझे लग रहा है कि इस केस में कुछ तो निकलेगा, जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। कुछ पता चला क्या? यस सर, गुलाब चंद का अपनी फैक्ट्री यूनिट के दो कारीगरों के साथ झगड़ा हुआ था, कुछ दस दिन पहले की बात है। अबे ये ले, फसा फसा ये फस गया भाई यार। काम के टाइम पे ताश चल रहा है? नहीं सर बस वो ऐसे ही। ऐसे ही तो ठीक है, ऐसे ही तुम दोनों के आधे दिन की पगार काट देते। तो गलत है ना साहब, पूरा दिन भर काम कर रहे थे हम लोग, बस 10 मिनट के लिए हटे थे। 10 मिनट के लिए हटे थे वो तो मैंने अभी देख लिया, वरना पता नहीं कितना काम चोरी कर रहे थे तुम दोनों, और इसलिए टाइम पे काम पूरा नहीं होता है। ये गलत है साहब, जब आप काम से घंटों गायब रहते तब तो कोई कुछ नहीं बोलता, हम तो बस 10 मिनट के लिए आराम कर रहे थे और आप आधा दिन का पगार काट रहे हो। अच्छा तो खुद की बराबरी मुझसे कर रहा है, तू मजदूर है और मैं सुपरवाइजर। हाँ तो क्या हुआ, है तो नौकर ही ना, मालिक तो नहीं है ना। ए मनीष चुप रहना, साहब गलती हो गई, माफी मांगते। अरे क्या गलती, क्या गलती, हम दिन भर खटते रहते हैं और इनको सजने संवरने से फुर्सत नहीं है, टाइम आप खराब करते हो, आप हम नहीं। मैं टाइम खराब करता हूँ? हाँ
मैं टाइम खराब करता हूं। रघु साहब हाथ मत लगाना। क्या करेगा? हाथ लगाऊंगा। साहब हाथ मत लगाना। क्या करेगा? बोल क्या करेगा? मनीष मत लगाना। मनीष मत मत मार मार के गुलाबी कर दूंगा यहीं पे। फिर अगले ही दिन मनीष और श्रीधर दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने फैक्ट्री यूनिट से दोनों का एड्रेस लिया है, उन्हीं के घर जा रही हूं। तो रागिनी को कुछ खटक रहा है। मुझे भी लग रहा है कि हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कहीं कुछ छूट ना रहा हो और बाद में कुछ बड़ा निकले। तो रागिनी फैक्ट्री यूनिट वर्कर मनीष और श्रीधर से बात करने गई। जी सर। तुम एक काम करो, तुम गुलाब के घर जाओ, गुलाब की पत्नी मधु से बात करो, मधु शायद कुछ बता सके। मधु, क्या गुलाब किसी बात को लेकर परेशान था? ऐसी किसी परेशानी के बारे में बताया नहीं उन्होंने मुझे, लेकिन हाँ गुलाब को छुपा रहे थे। छुपा रहा था मतलब? पिछले 2 महीनों में कई बार मैंने उन्हें रात में कमरे से बाहर जाते हुए देखा था, और वो हमेशा अपना फोन लेकर जाते थे, जैसे छुप छुप कर किसी लड़की से बात कर रहे हो। परसों रात को भी उन्हें एक फोन आया था। और फिर 5 मिनट में वापस आकर सो गए। और उसके अगले दिन से गुलाब गायब है। लेकिन जब तुमने उसकी बातें नहीं सुनी तो तुम्हें कैसे पता कि वो किसी लड़की से ही बात कर रहा था? अगर लड़की नहीं होती तो इस तरह छुप छुप कर बात करने की क्या जरूरत? ये तुम क्या कह रही हो मधु? अगर ऐसा कुछ था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कैसे बताती पापा जी, और क्या बताती? मुझे खुद नहीं पता था क्या चल रहा है, अब भी नहीं पता। तो बात इतनी बड़ी हो गई इसलिए बताना पड़ा। क्या आप में से किसी को पता है कौन हो सकती है वो लड़की? आलोक बेटा, वैद्य जी ने जो लड़का बताया था ना, उसके पिताजी से मेरी बात हो गई है, कल जा रहा हूँ उनसे मिलने। और तू देखना, दिवाली से पहले तेरी शादी करूँगा और धूमधाम के साथ करूँगा। पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले पूरी तरीके से ठीक तो हो जाइए। बेटा मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बल्कि अब तो और अच्छा लग रहा है मुझे, खबर ही ऐसी मिली है मुझे। ऐसा भी क्या पता चल गया आपको? बेटा पूरे गांव में बात हो रही है, वो जो मंगल है ना वो अमंगल हो गया है, उसका बेटा गुलाब भाग गया। नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया गुलाब जी के साथ, मैं तो एक मामूली सा कारीगर हूँ, दिहाड़ी करके घर चलाता हूँ, मैं क्या किसी को गायब करूँगा? और मैडम, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी गलती नहीं है, गलती मनीष की थी, मैंने तो उसको रोका भी था, उसके चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। ये तुम्हारा दोस्त मनीष पांडे कहाँ है? वो फोन क्यों बंद आ रहा उसका? मैडम बात तो हमारी भी नहीं हो पाई थी मनीष से, उस दिन अचानक से आया और बोला देवास जा रहा है। देवास? ऐसे अचानक से? वो देवास में वहाँ काम मिला है माँ। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, जो काम गया उससे अच्छा काम मिलेगा, तो फालतू में उस गुलाब पर गुस्सा कर रहा था। माँ गुलाब का नाम मत लेना, उसी की वजह से सारी परेशानियाँ शुरू हुई। गुलाब, चलो मैं चलता हूँ। मनीष को देवास के किस एरिया में काम मिला है और किस चीज का काम मिला है ये सब तो बताया नहीं उसने, बस देवास में काम मिला इतना बताया। कब की बात है? अभी 2 दिन पहले। मतलब 13 सितंबर की रात को गया वो? हाँ। गुलाबचंद और मनीष के बीच झगड़ा होता है, गुलाब मनीष को नौकरी से निकलवाता है, और कुछ दिन बाद 13 सितंबर को गुलाब अपने घर पर नहीं लौटा, और उसी रात मनीष भी गाँव छोड़कर चला जाता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? इत्तेफाक का तो पता नहीं सर, लेकिन ये एक सिंपल मिसिंग केस तो नहीं लग रहा। तो ये मनीष हाथ लगे तो शायद कोई और एंगल सामने आए। सो देवास पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, मनीष की फोटो भी भेज दी उनको। गुलाब की पत्नी मधु ने जो इल्जाम लगाया उसमें कोई सच्चाई? सर मधु के अलावा किसी और ने गुलाब के अफेयर के बारे में जिक्र तक नहीं किया, वो कितना सच बोल रही है पता नहीं। हमें कोई लीड नहीं छोड़नी चाहिए, खबरियों को काम पे लगाते हैं, पता करते हैं इस अफेयर की बात में कितनी सच्चाई है। जी सर। गुलाब की बाइक का क्या हुआ, उसके बारे में कोई खबर? पता कर रहे हैं सर, पर अभी तो कोई लीड नहीं मिली। बाइक गांव के बाहर तो नहीं गई, चोर बाजार में भी बात हुई है मेरी, पर ये बाइक अभी तक कहीं भी पहुंची नहीं है। सर, 13 सितंबर को गुलाब का फोन थाड़ेर गांव में शाम 6:30 बजे बंद हुआ था। और से दूसरी बात, मधु सही बोल रही थी, 13 सितंबर की सुबह 2 बजे गुलाब को किसी नगमा सैयद से फोन आया था।
और उन दोनों की फोन पे 5 मिनट बात हुई थी। पर सर ये कोई पहला कॉल नहीं था, पिछले 2 महीने से नगमा और गुलाब फोन पे बात कर रहे हैं, खासकर रात के वक्त। इस नगमा के बारे में कुछ पता चला? कौन है, कहाँ से है? हाँ सर, वो भी थाडेर गांव से ही है। और सर उसकी भी कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास। और सर उनसे ये पता चलता है कि उसका भी फोन 13 सितंबर को इसी गांव में बंद हुआ। शायद गुलाब इसी के साथ भागा है। झूठ है ये, गुलाब का किसी दूसरी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस को गुलाब के फोन रिकॉर्ड से एक औरत का नंबर मिला। वो कह रहे हैं कि गुलाब की उससे लगातार बात होती रहती थी। मैं नहीं मान सकती कि गुलाब किसी दूसरी औरत के साथ भाग सकता है। आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा? मैं झूठ नहीं कह रही थी, झूठा आपका आदर्शवादी बेटा निकला, धोखा दे रहा था मुझे। तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए घर की इज्जत उछालने। अरे क्या जरूरत थी पुलिस के सामने जहर उगलने की? मैंने पुलिस के सामने सिर्फ सच कहा है, और घर की इज्जत तो आपके बेटे ने उछाली है। अब आगे आगे देखिए क्या क्या कारनामे सामने आते हैं। अरे नलिनी कैसी हो, घर सेट हो गया तुम्हारा? हाँ आंटी सब सेट हो गया, मैंने घर पे पूजा की थी, आपके लिए प्रसाद लाई। तुम्हारे पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सब कुछ अकेली कर रही हो क्या? नहीं आंटी ऐसा नहीं है, उनका नया काम है ना, इसलिए टाइम पर आना जाना पड़ता है। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। मुझे तो ये रिश्ता शुरू से ही मंजूर नहीं था, देख ले अपने गुलाब का रंग, अच्छा हुआ गायब हो गया वो। क्या बोल रहा है बिरजू? सोचा अगर दामाद जी वापस नहीं आए तो मधु का क्या होगा? तू? अगर वो वापस आ जाता है तो क्या मधु को उसके साथ रहने देंगे? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको गुलाब की इतनी चिंता क्यों है। मैं तो चाहता हूँ वो वापस ना आए, अगर वो वापस आ जाए तो मेरे हाथ उसका खून ना हो जाएगा। विक्रांत बेटा समझा इसको, कुछ भी बोलता है। अरे मधु की शादी हुई है गुलाब से, रिश्ता ऐसे टूटता है क्या? देखिए चाचा जी मुझे भी यही लगता है कि मधु ने उस गुलाब को छोड़ देना चाहिए, वही ठीक होगा। अभी भले बिरजू ने गुस्से में कहा हो लेकिन उसकी बात गलत नहीं। आप 1000 बार मुझसे पूछोगी, मैं 1000 बार यही कहूंगा कि हम किसी गुलाब को नहीं जानते, और मेरी बहन भी उसे नहीं जानती है। और हाँ वो अभी हमारे खाला घर गई है उज्जैन। तो फिर नगमा का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है, बात करवाओ उससे। फोन बिगड़ गया था इसलिए बंद आ रहा है, आने के बाद बात कर लेना आप। नगमा की माँ, अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो नगमा की माँ से क्यों नहीं बात करने दे रहे हैं? अजीब जबरदस्ती है, बोला ना अम्मी की तबीयत खराब है। आपने जो कुछ पूछा बता दिया ना, अब क्या बात करनी है? फारूक जी देखिए हमें किसी की इज्जत उछालने का कोई शौक नहीं, लेकिन हमारे लिए नगमा कहाँ ही जाना बहुत जरूरी है। सच बता दीजिए तो शायद आपकी नगमा आपको मिल जाएगी। नगमा बेटा तेरे इस तरीके के कपड़े आ गए, संभाल के रख ले अलमारी में, लगता है कंप्यूटर क्लास से आई ही नहीं है अभी तक। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं एक दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती हूँ, और मुझे मालूम है कि आप मेरा निकाह उससे हरगिज़ नहीं करवाएंगे। मैं वापस नहीं आऊँगी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना नगमा। आज अपनी अम्मी पर इतना प्यार, मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ अम्मी। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ कंप्यूटर क्लास के लिए। किस मुंह से बिरादरी को बताते कि हमारी लड़की भाग गई, इसीलिए झूठ बोल। सुनो फैजल, सुनो बात सुनो। बेटा बेटा रुक 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 जा रुक जा बोल रहा रुक रुक जा रुक जा बोल रहा हूँ। हम पहले ही हर जगह ढूंढ चुके लेकिन कहीं कुछ ना मिला, वो लड़का कौन है और भागकर दोनों कहाँ गए हैं? और अगर पता चल जाता ना तो अखबार में फोटो आता दोनों की लाशों का। वो कंप्यूटर सीखना चाहती थी तो हमने कंप्यूटर क्लास में उसका दाखिला करवा दिया। 13 तारीख को वो क्लास के लिए ही निकली थी पर लौट के नहीं आई। फिर उसकी सहेली से पूछा तो उसने बताया कि वो क्लास में आए ही नहीं। मैडम कमरे में कुछ नहीं मिला। ये नगमा कौन से कोचिंग सेंटर में जाती थी? एसएन कंप्यूटर ट्रेनिंग से।
कमला नगर में, और अगर वहाँ से अगर आपको कोई जानकारी मिली ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी बहन और उस गुलाब से मिलने की ना बड़ी तमन्ना है। फैजल, तुमसे जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब। पुलिस के सामने खड़े हो तुम। ये लगवा की सहेली का क्या नाम है? दृष्टि, यहीं पास में रहती है, लेकिन उससे पूछने का कोई फायदा नहीं, हमने पहले उससे सारी जानकारी ले ली है। हमें तरीका आता है फैजल। पूरी संभावना थी कि गुलाब चंदेल नगमा के साथ एक प्लानिंग के तहत फरार हुआ था, पर क्या वाकई में ऐसा ही हुआ था या फिर महज ये एक छलावा था, किसी और की रचाई हुई साजिश जिसमें गुलाब के शामिल होने का भ्रम फैलाया जा रहा था? क्या था असली सच? आखिर पुलिस के हाथ एक ठोस एंगल लगा था जिससे इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिलने वाली थी। सर, गुलाब के फोन लोकेशन के हिसाब से उसका मोबाइल इसी एरिया में बंद हुआ था। वो इसी रास्ते से काम पे जाता था। ध्यान से ढूंढो, वहाँ जंगल में ठीक से देखो, बाइक यहीं आसपास होनी चाहिए। लेकिन वैद्य जी, मेरी तो लड़के के पिताजी से अच्छे से बात हो चुकी थी, इस हफ्ते आने वाले थे वो पार्वती को देखने के लिए, फिर अचानक ऐसे कैसे कह सकते हैं वो? ऐसा क्या हो गया? ठीक है, कुछ हो तो बताइएगा। जी सर, नगमा और मैं एक ही कंप्यूटर क्लासेस में थे और हम 2 साल से दोस्त थे, लेकिन इन 2 सालों में उसने मुझे किसी अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताया। तो दूसरे धर्म के लड़के के बारे में पता होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसी बात छुपती कहाँ दृष्टि? क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि नगमा की जिंदगी में कोई लड़का है? आज क्लास में बहुत नींद आ रही थी मुझे। कौन था वो लड़का? लड़का? कौन सा लड़का? तो किसकी बात कर रही है? कौन सी बाइक? उसका नंबर, कलर कुछ याद है? नंबर तो याद नहीं है सर, लेकिन लाल और काले रंग की थी। क्या ये बाइक थी? लग तो वैसी ही रही है सर। और ये लड़का, इसे देखा था नगमा के आसपास? नहीं सर, मैंने नगमा से इसके बारे में पूछा भी था। सच सच बता नगमा, किससे चैट करती रहती है हर वक्त, कौन है वो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, और मुझे ना अपनी जान प्यारी है। तू तो जानती है ना फैसल भाई के गुस्से को, पिछले बार की मार भूली नहीं हूँ मैं अब तक। फैसल अपनी बहन को मारता था? हाँ सर, एक दिन हम क्लास में पार्टी कर रहे थे तो नगमा को घर पहुंचने में देर हो गई, तो फैजल ने उसे बहुत मारा सर। सर, नगमा की फैमिली बहुत दकियानूसी है, बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें कंप्यूटर क्लासेस के लिए मनाया था। सर, फैजल बहुत गुस्से वाला है, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है, अगर उसे पता चल गया कि नगमा किसी दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती है, पता नहीं क्या करेगा। मैं हूं गुलाब का पिता, क्या काम है? ये कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? बोल, कहां है तेरा बेटा बुड्ढे? हां, और कहां भगा के ले गए मेरी बहन? बोल, मुझे नहीं पता गुलाब कहां है। छोड़ो छोड़ो इन्हें, कौन हो तुम लोग, कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो ना, ये तुम्हारे पिता क्यों मर गए, इन पर जोर आजमाओगे? छोड़ो, अभी क्या, अभी निकलो यहां से। अभी जा रहा हूं, गुलाब मिला ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। सर, यहाँ से तो सब कुछ साफ दिख रहा है कि नगमा और गुलाब ने भागने का प्लान बनाया था, और इन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इस बात की भनक किसी को ना लगे। लेकिन हमें कंफर्म करना चाहिए कि क्या गुलाब और नगमा भागने में कामयाब हुए भी हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले किसी को कुछ पता चल गया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है गुलाब। नगमा इस वक्त सिर्फ दृष्टि पे भरोसा कर सकती है। चांसेस है कि यहाँ की खबर लेने के लिए नगमा दृष्टि को कांटेक्ट करेगी या करती होगी। सर, हमने दृष्टि के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं, उसका फोन टैपिंग पे डाल देते हैं। अगर ये गुलाब और नगमा सच में साथ भागने में कामयाब हुए हैं
तो बड़ी तगड़ी प्लानिंग की होगी इन दोनों ने। ना तो नगमा की कोई खबर है और ना ही गुलाब ने कोई सुराग छोड़ा है। उसकी बाइक भी नहीं मिल रही। अगर गांव से बाहर नहीं गई तो कहीं तो मिलनी चाहिए गुलाब की बाइक। गुलाब चंदेल की बाइक का दफन होना इस तरह इशारा कर रहा था कि गुलाब के साथ भी कुछ बुरा हुआ। इस बाइक के मिलने से हमारी पूरी थ्योरी पलट गई। अगर गुलाब नगमा के साथ गया था तो इस तरह बाइक दफनाने का क्या मतलब है? शायद गुलाब अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता हो, या फिर उनके प्लान के बारे में किसी को पहले ही पता चल गया हो और सामने वाले ने भी एक और प्लान बनाया हो। चांसेस है कि गुलाब का प्लान सक्सेसफुल हुआ ही ना हो। मधु अंदर जा, अपना सामान लेकर तुम्हारे साथ चल रही है। इनका बेटा तो अयाशा कर रहा है, उसने तो अपने माँ बाप की परवाह की नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी इनकी सेवा में खपा रही है। तुलसीदास जी, हमने पुलिस में खबर की है, उस लड़की नगमा का भाई दोबारा हमारे यहाँ नहीं आएगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसे पर ही तो अपनी बेटी आपके घर में आई थी, लेकिन आपका लड़का घर छोड़कर भाग गया, पता नहीं वापस आएगा कि भी नहीं। आपको आपके बेटे गुलाब को समझाना चाहिए था, उसने आपके बारे में नहीं सोचा, मेरी बहन के बारे में नहीं सोचा, तो हम क्यों सोचें किसी के बारे में? मधु जा, सामान लेके अपना, तुम्हारे साथ चल रही अभी के अभी। गुंडागर्दी का बहुत शौक है तुझे। गुलाब और नगमा कहाँ हैं? उन्हें तो मैं भी ढूंढ रहा हूं। एक बार मिल गए ना तो छोड़ूंगा नहीं, अपनी बहन नगमा को भी नहीं, पूरी बिरादरी के सामने हमारी इज्जत की जो। ए फैजल, नाटक बंद कर तेरा, और चुपचाप बता क्या हुआ गुलाब के साथ। हमें बाइक मिल गई उसकी। कौन सी बाइक? मैं तो मिला नहीं गुलाब से। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं, और बहुत जल्दी तू सच भी उगलेगा। जब तक सच नहीं बोलता यहां से बाहर नहीं जाएगा ये। फैजल सैयद 13 सितंबर को कहाँ पे था, उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे जल्द से जल्द। उसे ज्यादा वक्त तक हम कस्टडी में रख नहीं पाएंगे। मिल जाएगा बड़ा। ऐसे कब तक रखेंगे आप लोग यहाँ पर मुझे? मुझे बात करनी है। ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, मुझे निकालो यहाँ से। गुलाब की बाइक दफन मिली है, इसका क्या मतलब है साहब? इन्वेस्टिगेशन चालू है मंगल जी। बाइक का मिलना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि शायद गुलाब खुद से कहीं नहीं गया, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है। मेरे बेटे को ढूंढिए साहब, उसकी माँ बहुत परेशान है। हमारी बहू घर छोड़कर चली गई है, सारे गांव में बदनामी हो रही है। उसे कैसे भी करके ले आइए, सही सलामत ले आइए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। ये क्या कर रहे हो साहब आप लोग? मेरे बेटे ने क्या जुर्म किया जो उसे अंदर डाल दिया? आपके बेटे ने गुलाब के घर में घुसकर उसके पिता से हाथापाई की, उन्हें धमकी दी, इसीलिए उसे उठाया है। हमें कुछ सवाल पूछने हैं उससे, जितनी जल्दी जवाब देगा उतनी जल्दी फैजल को जाने देंगे। गुलाब के पिता ने कंप्लेंट लिखवाई है? कॉपी दिखाइए। ये अपने मर्जी से उठा ले फैजल। देखिए, मैं अपने बिरादरी तक जाना नहीं चाहता, वरना आप जानते हैं ये केस क्या मोड़ ले सकता है। मगर आप मजबूर करोगे तो मैं बड़े साहब से लेकर अपनी बिरादरी तक गुहार लगाऊंगा, सोच लीजिए। सर, ये फैजल की कुंडली निकाली मैंने। मैडम ने जो डेट बताई थी 13 सितंबर, उस दिन ये अपने बाप की जूते की दुकान पर ही था। कुछ तो छूट रहा है हमसे। मुझे पूरा शक है कि फैजल को गुलाब और नगमा के प्लान के बारे में पहले से पता था। हो ना हो इस कांड में वो जरूर शामिल है। सर, मैं गुलाब और नगमा की पिछले 6 महीने की फोन रिकॉर्ड चेक कर रहा था। इन दोनों के रिकॉर्ड में एक कॉमन नंबर मिला है, कोई धीरज कुमार का। धीरज कुमार? जी सर, लेकिन ना गुलाब के दोस्त राजेश और ना नगमा की फ्रेंड दृष्टि को पता है कि धीरज कौन है। नगमा और गुलाब के घर वालों ने भी नाम नहीं सुना है। लेकिन सर, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस धीरज कुमार का फोन भी 13 सितंबर से ही बंद है। अब ये कौन सा एंगल है कहानी में? इस धीरज का एड्रेस निकालो और उठाओ उसको। एक साजिश रची गई थी और उस साजिश का शिकार गुलाब चंदेल का परिवार हुआ था। हेलो, धीरज गुरुग्राम में? हाँ सर, उसकी नौकरी लग गई है वहाँ। यहाँ से कब गया वो? 13 सितंबर को। उसका नंबर क्यों बंद है? उसको अपना नंबर बदलना था, इसलिए पुराना वाला नंबर बंद कर दिया। और नया नंबर क्या है उसका?
ये धीरज ने अभी दिया नहीं। मतलब 13 सितंबर को यहाँ से धीरज के जाने के बाद आपकी अभी तक कोई बात नहीं हुई इससे? नहीं, बात हुई थी। वो इसने पीसीओ से फ़ोन किया था, कहा था कि जल्दी उसे नया नंबर मिल जाएगा, लेकिन पहले उसे किराए का मकान लेकर उसका एग्रीमेंट जमा करना पड़ेगा। एक के बाद एक नए किरदार सामने आ रहे हैं, पर उनसे मिल कुछ नहीं रहा। हर जगह से अंधेरी गली है, रोशनी का नामो निशान नहीं है। अगर एक कड़ी भी मिल जाए ना तो पूरी चेन हाथ में आ जाएगी। आखिर एक कड़ी मिली गई। क्या मिला? नगमा के दोस्त दृष्टि ने गुरुग्राम में एक नंबर पे कॉल किया है। वो नंबर किसी नलिनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। एड्रेस है कालरा हाउसिंग सोसाइटी। धीरज भी गुरुग्राम ही गया हुआ है ना? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि दृष्टि गुरुग्राम में किसी से बात कर रही है। पूरे चांसेस है कि गुलाब और नगमा को भगाने में धीरज ने मदद की होगी, और नलिनी भी इस सबसे कहीं जुड़ी हुई है। एक काम करो, तुरंत गुरुग्राम पुलिस को सारी डिटेल्स भेजो। तुम दोनों भी गुरुग्राम के लिए निकल जाओ। दृष्टि या किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमें कोई लीड मिली है। ये नलिनी जो भी है वही हमें इस केस में नई दिशा देगी। गुलाब चंदेल का गायब होना वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा दिख रहा था। तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये मिसिंग केस एक ऐसा मोड़ लेने जा रहा था जो इस केस को और पेचीदा करने वाला था। नगमा, तुम्हारा हस्बैंड गुलाब का है नगमा? या क्या बोला तुम्हें, नलिनी? नलिनी कौन है? क्या हुआ धीरज जी? लोग मुझे अच्छा? तो ये धीरज भी तुम्हारे साथ है? ये क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है मतलब? मैं हस्बैंड हूँ इसका। नगमा तुम्हारी वाइफ है? हाँ, हम दोनों ने कानून शादी की है, कुछ गलत नहीं किया है। धीरज और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या अफेयर धीरज और नगमा के बीच में है? वो दोनों गुरुग्राम गए हैं, तो फिर गुलाब कहाँ है? पुलिस के सामने अब एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने अब तक की सारी थ्योरीज को पलट कर रख दिया, और फिर से ये सवाल उठने लगा कि आखिर गुलाब के साथ क्या हुआ था। क्या इस सवाल का जवाब धीरज और नगमा पुलिस को दे पाएंगे, या फिर कोई ऐसी जानकारी सामने आएगी जो फिर से पुलिस को गुमराह कर देगी? गुलाब दोस्त है मेरा। दरअसल मैं एक कारखाने में अकाउंटेंट की जॉब किया करता था, और वो कारखाना उसकी फैक्ट्री यूनिट के पास में ही था। नगमा प्लीज रोना बंद करो और दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो वो मार देंगे मुझे, फिर क्या करोगी? हेलो हेलो, तू इतना डरता क्यों है? प्यार ही करता है ना। मैं प्यार में तो इंसान सारे जमाने से अकेला लड़ जाता है। यार ये सब ना फिल्मी बातें हैं। असल जिंदगी में हीरो हीरोइन नहीं मिलते हैं, सिर्फ उनकी लाशें मिलती हैं, पानी में तैरती हुई या पेड़ से लटकी हुई। कोई साथ नहीं देता है। अच्छा एक बात बता, तू नगमा से सच में प्यार करता है? यार मैं पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ उसके साथ। ठीक है, मैं साथ दूंगा तब पक्का। उन्होंने बड़े भैया की तरह हमारी मदद की, हमें सब समझाया, और 13 सितंबर को भागने का पूरा प्लान गुलाब भैया का ही था। उनकी मदद के बिना हम ये नई जिंदगी कभी नहीं शुरू कर पाते। धीरज ये ले, ये पकड़ पैसे, और ये तुम्हारी बस की टिकट है। हाँ, यहाँ से इंदौर चले जाना, और ये तुम्हारा ट्रेन का टिकट है दिल्ली तक का। ठीक है, दिल्ली जाके ऑटो पकड़ना और गुरुग्राम चले जाना। इसमें एड्रेस भी है, कालरा हाउसिंग सोसाइटी का। वहाँ बात की है तुम दोनों के रुकने की। कुछ जाली आईडीज बनवाए तुम दोनों के नाम के। अब तुम धीरज और आज से तुम नलिनी। हाँ यार गुलाब, यार तूने इतना सब कुछ किया है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कोई बात नहीं, थैंक यू गुलाब भैया, आप हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। अरे अब ये सब बातें छोड़ो और निकलो जल्दी, ठीक है? ये सब बातें बाद में होती रहे, और अपने अपने फोन फेंक देना, ठीक है? चलो जाओ जाओ, मैं 6-7 महीने बाद सामने से आकर मिलूंगा तुम दोनों से। मतलब गुलाब तुम्हारे साथ नहीं है, पर वो तो 13 सितंबर से ही मिसिंग है।
नहीं, गुलाब तो वहीं थर्ड ईयर गांव में रुक गया था। और 13 सितंबर की शाम को तुम लोग गुलाब से आखिरी बार मिले थे, उसके बाद बात तक नहीं हुई है। नहीं, शायद हमारी तरह नगमा का भाई फैजल भी धोखा खा गया हो और उसने गुलाब को नगमा का बॉयफ्रेंड समझ के मार दिया हो। पॉसिबल है सर, उसने सोचा होगा कि अगर गुलाब मर जाएगा तो नगमा भाग ही नहीं पाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि नगमा गुलाब के साथ नहीं धीरज के साथ भागने वाली थी। खबरी अतुल ने कंफर्म किया था कि 13 सितंबर को फैजल पूरा दिन अपनी दुकान में था और उसका फोन लोकेशन भी उसकी दुकान की थी। किसी और से भी तो करवा सकता वो, शायद गुलाब का कोई और भी दुश्मन। माफी चाहता हूँ मंगल सिंह जी, पर हालात ही ऐसे थे। पुलिस को भी यही लग रहा था कि गुलाब उस नगमा के साथ कहीं भाग गया, पर अब पता चल रहा है कि वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे। देखिए भाई साहब, हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। मैं बात करता हूँ मंगल सिंह, आपकी बहू आपके घर वापस आ जाएगी और पुलिस भी जल्दी ढूंढ लेगी दामाद जी। गुलाब को पहचानने में हमसे भूल हो गई बेटा, क्या सोचा है तुमने, ससुराल वापस जाओगी? पापा चाहते हैं मधु को वापस अपने ससुराल चले जाना चाहिए, उनके लिए उनका दामाद दामाद नहीं है, कोई मसीहा है, तो बिछड़े प्रेमियों को मिलाकर बड़ा पुण्य कमा रहा है वो। जो भी हो, वो गुलाब तो अब भी गायब है ना। मधु क्या कह रही है? कुछ बोल ही तो नहीं रही है वो, पता नहीं उसके मन में भी क्या चल रहा है। ये केस हमें गोल गोल घुमा रहा है, शायद कुछ जरूरी है जो छूटा है हमसे, पर पता नहीं क्या। मेरे ख्याल से हमें इस केस को फिर से शुरुआत से देखना चाहिए। सर हमें गुलाब के बारे में और पता करना चाहिए, शायद पहले इसके साथ कुछ हुआ हो जो अब जाके सामने आ रहा है। और सर वो यूनिट वर्कर मनीष पांडे जिसका गुलाब के साथ झगड़ा हुआ था, वो भी अभी तक हमें नहीं मिला है। और सर पता चला है कि मधु गुलाब का घर छोड़ के अपने माँ बाप के पास वापस लौट आई। इन दोनों फैमिलीज के बीच कुछ है, मधु पे भी नजर रखनी होगी, शायद उसकी फैमिली को कुछ पता है जो वो हमें बता नहीं रहे। सर दो दिन दीजिए मुझे, ये मधु और गुलाब की फैमिली की फुल रिपोर्ट ला के देता हूँ। मैंने सुना कि तू गुलाब के घर वापस जा रही है। जाना पड़ेगा ना, मेरा बदला अभी अधूरा है। लेकिन मधु अब पुलिस भी जानती है कि गुलाब नगमा के साथ नहीं भागा है, अब पुलिस पहले तुम्हारे पीछे आएगी और बाद में बिरजू के। इसलिए इस वक्त मेरा उस घर में जाना सभी के लिए सही होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम गुलाब के घर वापस चली जाओ। बच्चे मत बनो विक्रांत, दिमाग से काम लो। ये कब तक चलता रहेगा और हम अपने बारे में कब सोचेंगे? वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, लेकिन तब तक सब्र रखो और नाटक करते रहो। ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद सारी बातें बताते रहना और नॉर्मल कॉल मत करना, हमेशा की तरह चैटिंग ऐप से कॉल करना। तब तक मैं यहाँ संभालता हूँ, तुम्हारे भाई का फैला हुआ रायता भी समेटना है। किसी को चोट पहुंचाने की चाह, चाह दर्द देने की, वो दर्द जो कभी किसी ने महसूस किया हो उसी इंसान से जिसे वो तकलीफ देना चाहता हो, मगर अंजाम किसे भुगतना पड़ा।
13 सितंबर को घर से निकला गुलाब चंदेल अब तक मिसिंग था। इस बात की आशंका बढ़ती जा रही थी कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, लेकिन कौन था जो गुलाब के साथ बुरा कर सकता था और क्यों? वर्तमान की कुछ बातों का पता चला था, लेकिन अतीत में अब भी बहुत कुछ छुपा हुआ था। कुछ चेहरे सामने थे और कुछ अब भी पर्दे के पीछे। मिसिंग केस की तरह शुरू हुआ यह केस इतने घुमावदार मोड़ के बाद फिर से वहीं पहुंच गया जहां से यह शुरू हुआ था। पुलिस इस केस की तह तक कैसे पहुंची ये हम देखेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।